Hello students, in this video we'll discuss chapter number 3, elections and the election commission. बेटा इस चैप्टर में हम लोग इलेक्शंस को पढ़ेंगे कि इलेक्शन होता क्या है, क्यों ज़रूरी है, साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, हमने क्यों इलेक्शन कमीशन को बनाया है, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होता है इलेक्शंस में. और बेटा ये जो चैप्टर है ये आपके लिए सुपर ईजी होने वाला है. क्यों ईजी होने वाला है? क्योंकि इसमें जिन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है वो कहीं ना कहीं आपने उन्हें देखा है, आप उन्हें जानते हैं, समझते हैं. ठीक कोई बात, इलेक्शंस होते हुए आप लोगों ने देखा होगा, आज आप क्लास 9th में हैं, आप लोगों ने देखा होगा ना आपके पेरेंट्स वोट डालने जाते हैं, देखा होगा वोटर आईडी कार्ड देखा होगा, फिर आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी कि आज जैसे स्टेट में ये वाली गवर्नमेंट बन गई, सेंट्रल लेवल पे इनकी सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, बीजेपी को मैंडेट मिला है ना. 9th क्लास का बच्चा इतनी सारी बातें तो जानता है. तो आपको ये चैप्टर लगने वाला है बहुत ही बहुत इजी. चलो क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि इलेक्शन का मीनिंग क्या है और उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों इलेक्शंस होने चाहिए. फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्शंस, जनरल इलेक्शन क्या है, मिड टर्म इलेक्शन क्या है, और भाई ये बाई इलेक्शन कब होते हैं, क्यों होते हैं, काइंड्स ऑफ इलेक्शंस, डायरेक्ट इलेक्शंस भी होते हैं और बेटा इनडायरेक्ट इलेक्शन भी होते हैं. फिर हम देखेंगे हमारे इलेक्शन कमीशन को कि ये इतनी बड़ी बॉडी क्यों बनाई है हमारी गवर्नमेंट ने, क्या काम करती है, इलेक्शन में इसका रोल क्या है. कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, इलेक्शन का पूरा प्रोसीजर बेटा, वोटर लिस्ट से लेकर के फाइनल रिजल्ट अनाउंसमेंट तक पूरा प्रोसेस देखेंगे कि क्या क्या इस बीच होता है. फिर हम देखेंगे बेटा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्या होते हैं, क्या इंडिया में जो इलेक्शंस कंडक्ट कराए जा रहे हैं वो फ्री एंड फेयर हैं. चलो मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्शंस, क्या मीनिंग है और क्या इम्पोर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है इलेक्शंस की. तो बेटा इन जनरल या लेमन लैंग्वेज में बोले तो इलेक्शन क्या है, इलेक्शन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं. बेटा इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि हम चाइना से भी आगे बढ़ गए हैं पॉपुलेशन में. तो इतनी बड़ी कंट्री को संभालने के लिए हमें कुछ लीडर्स चाहिए, तो वो लीडर्स को हम चुनते हैं थ्रू इलेक्शंस, है ना. चल तो इलेक्शंस क्या है, इलेक्शंस है ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है ना, जहाँ पर लोग वोट डालते हैं और चुन लेते हैं पर्सन्स को. कौन से पर्सन को, कौन से व्यक्ति को हम चुनते हैं जो हमें लगता है कि यार ये कुछ कर सकता है हमारे लिए, ये सूटेबल है, इसका जो आज तक का काम है बहुत अच्छा रहा है, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड को बिलोंग करता है. हम ये दो चार चीज़ें लगा के किसी एक व्यक्ति को चुन लेते हैं जो हमें रिप्रेजेंट करेगा पार्लियामेंट में और द स्टेट लेजिस्लेचर में. अगर स्टेट के इलेक्शंस हो रहे होंगे तो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए हम बंदे को चुनेंगे, और अगर सेंट्रल लेवल मतलब लोकसभा के लिए इलेक्शंस हो रहे होंगे तो पार्लियामेंट के लिए हम उस व्यक्ति को चुन लेंगे. दोनों इलेक्शंस अलग अलग टाइम पे होते हैं, पर इस गवर्नमेंट की कोशिश है कि अब इलेक्शंस को एक साथ में कंडक्ट करवाया जाए. अभी तक देखो कुछ फैसला नहीं आया इन लोग क्या चाहते हैं, पर ऐसा सोच रहे हैं लोग कि बार बार इलेक्शंस करवाने से बेटर है कि एक ही बार में दोनों काम हो जाए, पर ऐसा बहुत मुश्किल है. इस बात को आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करो नरेंद्र मोदी वांट्स जॉइंट इलेक्शंस फॉर स्टेट एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर. एक बार आप लोग ज़रूर इस न्यूज़ को पढ़ें कि क्यों नरेंद्र मोदी ऐसा चाहते हैं कि सेंटर और स्टेट इलेक्शन साथ में होने चाहिए या जॉइंट होने चाहिए. अगर ऐसा हो जाता है तो क्या एडवांटेज हमको मिलेंगे, क्योंकि ये करंट न्यूज़ है बच्चा और आपको ये पता होना चाहिए. चलो अब इलेक्शंस आपने पार्लियामेंट के लिए तो लोगों को चुन लिया, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी लोगों को चुन लिया, पर बच्चा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस ऐसी होती हैं जिनके लिए भी इलेक्शंस होते हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, तो इनके लिए भी इलेक्शंस होते हैं. Elections are also held to elect those persons who hold a constitutional position. Constitutional position जिनके पास है उनके लिए भी कुछ positions पे क्या होते हैं, elections होते हैं. किस किस के लिए election हो रहे हैं बच्चा, President, Vice President of India के लिए. अब हम पढ़ेंगे elections in a democracy. एक democratic country में elections कैसे होते हैं, कौन से principles को follow किया जाता है, अब हम वो देखेंगे. तो बेटा हर वो country जो democratic country है वो अपनी country में क्या करवाएगी, elections, और कुछ प्रिंसिपल्स को वो फॉलो करेगी. पहला प्रिंसिपल होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब आप बस एक एज बता दो कि आप 18 ईयर में वोट डाल सकते हो, 21 ईयर में वोट डाल सकते हो, और उस एज का हर व्यक्ति
मतलब उस एज में रहने वाला, उस एज को अटेन करने वाला हर व्यक्ति वोट डाल सकता है। उससे किसी भी बात को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। वो मेल है, फीमेल है, किस रिलीजन को बिलोंग करता है, किस कास्ट को बिलोंग करता है, रिच है, पुअर है, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बस एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप 18 साल के हो जाएँ या आप 21 साल के हो जाए। ये डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री में वोटिंग की एज क्या है। हमारी कंट्री में, इंडिया में ही पहले वोटिंग की एज कितनी हुआ करती थी, 21, पर आज वोटिंग की एज क्या है, 18। फिर दूसरा, जब भी आप वोट डालते हैं तो आपके वोट डालने की जगह को इस तरीके से रखा जाता है कि आप किसको वोट डाल रहे हैं ये किसी को भी पता ना चले। तो जो सीक्रेट बैलेट होता है या जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, मतलब हमारी कंट्री में मैं किसे वोट डाल रही हूँ या आप किसे वोट डाल रहे हो, ये सिर्फ आपको या मुझे पता होगा। जनरली किसी को पता नहीं चलता है। जब भी हम वोट डालने जाते हैं ना बेटा, तो इस तरीके से एक कैनोपी रेडी होती है। यहाँ पर ईवीएम रखा होता है और उस ईवीएम में हम किस बटन को प्रेस कर रहे हैं, किसको वोट देख रहे हैं, यहाँ से कोई व्यक्ति उसे जान नहीं सकता है। ठीक है बात। तो सीक्रेट बैलेट हो या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो, दोनों को इस तरीके से रखा जाता है कि कोई और ना देख पाए कि वोटर ने किस बटन को प्रेस किया, मैंने किसको वोट डाला, किसी और को पता नहीं चले। दूसरा प्रिंसिपल, तो इलेक्शन कमीशन का काम होता है बेटा कि जितने भी इलेक्शन एरियाज उसने बनाए होंगे, जहाँ चाहे वो इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हो रहे होंगे, मतलब देखो पूरी सिटी में दो या तीन जगह होती हैं जहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, या चार जगह होती हैं ना, तो हर उस जगह पे ये इंश्योर किया जाता है कि किस तरीके से आप उस एरिया को बना रहे हैं कि जो व्यक्ति वोट डाल रहा है बस वही देख पाए कि उसने किसी को वोट किसको वोट डाला है, कोई और नहीं। चलो, इलेक्टोरल चॉइसेस ऑफर्ड बाय कॉम्पिटिशन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज बिटवीन मेनी कैंडिडेट। तो बेटा जब हम वोट डालने जाते हैं तो हमारे पास इलेक्टोरल चॉइसेस होती हैं। वो चॉइसेस किस किस के बीच में होती है बच्चा? कई बार पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में होती है और कई बार कैंडिडेट्स के बीच में होती है। देखो कई बार दो ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनमें से एक हमें लगता है कि यार ये बहुत बढ़िया है, तो हमने बोला कि यार हम कैंडिडेट को चुन रहे हैं। पर कई बार कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी होती हैं जो एक टाइम में बहुत अच्छा काम कर रही होती हैं, तो हम किसको चुनते हैं? किसी पॉलिटिकल पार्टी को चुनते हैं। तो ये जो कॉम्पिटिशन है वो किसके बीच में होगा? पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में होगा और कैंडिडेट्स के बीच में होगा। तो हमारे पास चॉइसेस अवेलेबल होंगी। मुझे बीजेपी को वोट देना है, कांग्रेस को देना है, आम आदमी पार्टी को देना है, मुझे एक्स को देना है, वाई को देना है या जेड को देना है। अब बेटा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो ये बताता है कि हर वो व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है, मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया है, अगर उसकी उम्र 18 साल से कम नहीं है, मतलब वो अगर 18 साल का हो गया है और कोई भी लॉ अगर उसे डिसक्वालीफाई नहीं करता। देखो कई बार आपके ऊपर कुछ सीवियर क्रिमिनल चार्जेस वगैरह रहते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होते हैं किसके लिए? वोटिंग के लिए। अदरवाइज इन केसेस को अगर हम छोड़ दें कि अगर कोई लॉ आपको डिस्क्वालीफाई कर रहा है तो बात ये अलग है। पर अगर आपके साथ ऐसा कोई केस नहीं है, आप 18 साल के हो गए हैं, तो आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं एज अ वोटर। इट मीन्स यू आर एंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर। बस एक काम नहीं होना चाहिए, वो क्या है? इज नॉट अदरवाइज डिसक्वालीफाइड अंडर एनी लॉ। कोई लॉ आपको बस डिसक्वालीफाई ना किया हो, ठीक है? तो ऐसा तो इन जनरल नहीं होता है, कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं। इसके साथ ही साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी बताता है बेटा कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की, अब कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है बच्चा? इलेक्शन के पर्पज़ के लिए हम पूरे इंडिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बेसिस पे आप इलेक्शन के स्मूथ कंडक्ट के लिए पूरे इंडिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, उसे ही क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी समझ में आई क्या होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी? देखो अब हमें इलेक्शन करवाना है, इंडिया इतना बड़ा है, तो हम इंडिया को पॉपुलेशन के बेसिस पे इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि दो कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन लगभग बराबर हो, है ना? ये बराबर हो। तो इस तरीके से जब कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती हैं तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक इलेक्टोरल रोल तो हो ही हो, ऐसा कौन बोलता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब करता है कि देयर शैल बी वन जनरल इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। इलेक्टोरल रोल का और थोड़ा सा ईजी वर्जन जानना हो तो वो होती है वोटर्स लिस्ट, मतलब जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं जो वोट डाल सकते हैं उनकी लिस्ट को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल रोल या वोटर्स लिस्ट, ठीक है? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है भैया कि हर 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 कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए क्या होना चाहिए? इलेक्टोरल रोल होना चाहिए, मतलब वोटर्स लिस्ट होनी चाहिए।
नो पर्सन शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इलेक्ट्रल रोल, किसी भी व्यक्ति को वोटिंग लिस्ट, वोटर्स लिस्ट से या इलेक्ट्रल रोल से आप इस ग्राउंड पे नहीं हटा सकते कि वो किस धर्म का है, किस रेस का है, कौन सी जात का है, मेल है, फीमेल है, एनी वन ऑफ देम। किसी भी एक चीज़ को लेके आप किसी व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि भैया तुम्हें हम वोटर्स लिस्ट में नहीं रखेंगे या इलेक्ट्रल रोल में नहीं रखेंगे क्योंकि तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम नीची जात हो, तुम ऊंची जात हो, ऐसा कुछ भी नहीं। सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्शंस, अब इलेक्शंस का क्या इंपॉर्टेंस है हम वो देखेंगे, इलेक्शंस की क्या नीड है हम वो देखेंगे। तो बेटा इलेक्शंस, पहली बात तो ज़रा ये ध्यान रखो कि हमारी जो कंट्री है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, जो सेंट्रल मतलब दिल्ली से रूल करती है, सारे स्टेट्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, और एक होती है हमारे स्टेट की गवर्नमेंट, है ना, जो हमारे स्टेट के वेलफेयर के बारे में सोचती है। तो बेटा जब सेंट्रल लेवल पे इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के लिए, हम उसमें भी पार्ट लेते हैं और हम हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस में भी पार्ट लेते हैं, मतलब हम एमएलए के चुनाव में भी पार्ट लेते हैं और अब हम एमपीज के चुनाव में भी पार्ट लेते हैं, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें पार्ट लेते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं ना। चलो तो अब पढ़ो इसको। तो जो जनरल पब्लिक होती है वो इलेक्ट करती है पार्लियामेंट के मेंबर्स को भी और स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर्स को भी, जो फिर बाद में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं किसके, पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, ये दोनों ही मिलके किसको चुनते हैं, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। पहले हमने किसको चुना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, हम ही ने किसको भी चुना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हमारे स्टेट के लिए काम करेगा और हमें रिप्रेजेंट करेगा पार्लियामेंट में, मतलब दिल्ली में लोकसभा में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो हमने दोनों को चुन लिया। अब ये दोनों मिलके किसको चुनेंगे बेटा, प्रेसिडेंट को। फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, कैबिनेट मिनिस्टर को, दूसरे मिनिस्टर्स को, ठीक है बात। तो प्राइम मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने का काम किसका होता है, प्रेसिडेंट का। क्या बात समझ में आ गई। दूसरा, अब बेटा वोटिंग के थ्रू ही जो हमारी जनरल पब्लिक है, जो कॉमन पीपल है, वो कंट्रोल रखता है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स पे। अब जरा एक कहानी सुनो, मैंने आज वोट डाला और मिस्टर एक्स को चुन लिया कि भैया यार ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव होगा, पर आने जितने 5 साल उसने रूल किया, मतलब जो जहाँ से वो रिप्रेजेंटेटिव रहा, उसने एक भी ऐसा काम नहीं किया जो अच्छा, है ना। कई बार तो वो इलेक्शंस के बाद हमें रिप्रेजेंटेटिव देखने को ही नहीं मिलते, या कई बार जो हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें वो सॉल्व नहीं कर पाते। तो मुझे बताओ कि 5 साल बाद वो फिर आपके पास आएगा और बोलेगा कि मुझे ही वोट देना, तो क्या आप उसको वोट दोगे? बिल्कुल नहीं देंगे, है ना। ऐसे ही सेंट्रल लेवल पर भी होता है, स्टेट लेवल पर भी होता है, जो सरकार हमारे लिए काम करती है हम उसको वोट देते हैं और फिर से चुन लेते हैं, और जो हमारे लिए काम नहीं करती हम उसको वापस से नहीं चुनते हैं। तो इस तरीके से हम कंट्रोल रखते हैं किसके ऊपर, अपने रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर। जनरल पब्लिक, कॉमन पीपल में रिफ्यूज टू रिटर्न टू अ पावर, अ पार्टी विच फेल टू डिलीवर द गुड्स विच इट हैड प्रॉमिस्ड। हम कभी भी उस पॉलिटिकल पार्टी को वापस चुन के नहीं लाएंगे, पावर में रिटर्न नहीं लाएंगे, जिसने जो बातें कही थी, जो प्रॉमिस किए थे, उसे प्रॉपरली डिलीवर नहीं किया। चुनाव के टाइम तो बड़े बड़े प्रॉमिस किया, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, पर इलेक्ट हो गए तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये बेटा कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, एक औरत इलेक्शन के लिए वहाँ पर खड़ी है, खड़ी तो बहुत सारी औरतें हैं, और ये देखो मार्क किया जा रहा है, जो हमारी फिंगर होती है ना, उस फिंगर पे वोट डालने के बाद यहाँ पर एक इंक लगा दी जाती है, और वो इंक ऐसी होती है कि कम से कम 10-12-15 दिन तक तो नहीं मिटती है, है ना। ये क्यों किया, ये इंक क्यों लगा दी, जिससे हम मार्क कर पाएँ कि ये व्यक्ति वोट दे चुका है। नहीं तो पहले जब ऐसा नहीं होता था ना बेटा, तो एक ही व्यक्ति 3-4 बार वोट देता था। तो पहली इलेक्शन की ज़रूरत क्या थी, कि हम इलेक्शन के थ्रू हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव मेंबर्स को चुनेंगे। दूसरा क्या था, इसके थ्रू हम सरकार के ऊपर या हमारे रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन एक वेपन है हमारे पास, एक हथियार की तरह है हमारे पास, जिसके थ्रू हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमारी फ्रीडम्स को और हमारे राइट्स को। तो बेटा इलेक्शंस के थ्रू हम क्या भी कर सकते हैं, अपने राइट्स को, अपनी फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, ठीक है बात। अगर आप एक ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, या कोई कंट्री बोलती है कि हम एक ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो वहाँ पर कोई ये कंप्लेन नहीं कर सकता बेटा कि मुझे सुना नहीं जा रहा है। तीसरा काम क्या बोलोगे, कि इलेक्शन
मीन्स है, काय का मीन्स है, प्रोटेक्टिंग का, किसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम इलेक्शन के थ्रू, फ्रीडम्स एंड राइट्स, हम हमारे राइट्स को, हमारी फ्रीडम को इलेक्शंस के थ्रू क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे फ्रीडम को या हमारे राइट्स को कोई वायलेट करेगा तो 5 साल बाद फिर इलेक्शन होंगे और हम उस सरकार को वापस कभी नहीं लेके आएंगे, उस पॉलिटिकल पार्टी को वापस से कभी नहीं चुनेंगे। अब हम देखेंगे जनरल इलेक्शन को, है ना। तो इंडिया में बेटा इलेक्शन पहली बार जिनका बेस एडल्ट फ्रेंचाइज था वो क्या कब हुए, 1952 में। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि क्या इसके पहले इंडिया में इलेक्शन नहीं हुए, तो आप क्या बोलोगे, हुए थे, पर उनका जो बेस था वो एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था बेटा, बहुत कम लोगों को वोटिंग राइट दिए गए थे। तो हमारे इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पहली बार किस इलेक्शन में यूज़ हुआ, 1952 के इलेक्शन में यूज़ हुआ। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, जिसमें वोटिंग राइट एक स्पेसिफिक एज के बाद सबको अवेलेबल हो, भले वो एज 21 हो या 18 हो, हर वो व्यक्ति जो 18 या 21 ईयर की एज को अटेंड करेगा उसे क्या मिल जाएंगे, वोटिंग राइट। तो ऐसा इलेक्शन कब हुआ एडल्ट फ्रेंचाइज को लेकर के यूज़ करके, 1952 में हुआ, है ना। अब बेटा जिन ज्वाइंट इलेक्शन की आज नरेंद्र मोदी बात करते हैं, जिनके लिए सोच रहे हैं, तो जो हमारा फर्स्ट इलेक्शन जनरल इलेक्शन हुआ था वो साइमल्टेनियस या ज्वाइंट इलेक्शन ही था। दिस वॉज साइमल्टेनियस इलेक्शन, ये साइमल्टेनियस इलेक्शन ही था, किसके लिए भी हो रहे थे, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए साथ में ही इलेक्शन हो रहे थे, इसीलिए हमने इसको क्या कहा, जनरल इलेक्शन। मतलब जो पहला हमारा जनरल इलेक्शन हुआ 1952 में, उसका पहला तो कैरेक्टरिस्टिक्स था कि वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस था, दूसरा कि यहाँ पर साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो रहे थे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए और लोकसभा के लिए, दोनों साथ में चल रहे हैं। फिर जब हमारा सेकेंड इलेक्शन हुआ, सेकेंड जनरल इलेक्शन वो कब हुआ, 1957 में हुआ, ये भी साइमल्टेनियस इलेक्शन था, मतलब दोनों ही पोजिशंस के लिए साथ में इलेक्शन हो रहे हैं, लोकसभा के लिए भी और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए भी, ठीक है। और इसीलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं, जनरल इलेक्शन। तो पहला इलेक्शन 1952 में हुआ, उसका आधार क्या था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसके बाद हमारे जितने भी इलेक्शन हुए सबका आधार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ही है, पर ज्वाइंट इलेक्शन या साइमल्टेनियस इलेक्शन सिर्फ 1952 में हुए और बेटा 1957 में हुए। इसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर अलग हो गया किससे, लोकसभा से, मतलब दोनों के लिए इलेक्शंस अलग अलग होने लग गए, एक साथ में इलेक्शंस नहीं हुए बेटा। उसके बाद जितने भी इलेक्शंस हुए उन इलेक्शंस में जो कुछ स्टेट असेंबलीज थी उन्होंने साथ में इलेक्शंस नहीं किए लोकसभा के साथ, फिर लोकसभा के इलेक्शंस अपने अलग होने लगे, स्टेट असेंबलीज अपने इलेक्शंस अलग करने लगी, पर बाद में हमने लोकसभा के जो इलेक्शंस होते थे उन्हें ही क्या कहा, जनरल इलेक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं कि जनरल इलेक्शन का मतलब क्या है, तो आप क्या बोलोगे, लोकसभा इलेक्शंस, ठीक हुई बात। क्योंकि अब स्टेट लेजिस्लेचर अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्टेट में इलेक्शन लेते हैं, किसी में किसी ईयर में हो रहे हैं, किसी में किसी ईयर में हो रहे हैं, ऐसा होता है। तो जनरल इलेक्शन मीन्स इलेक्शन फॉर लोकसभा, ये ध्यान रखो। तो हम लोकसभा के इलेक्शंस को क्या कहते हैं, जनरल इलेक्शन। जो जनरल इलेक्शन है 17th लोकसभा के लिए वो कब हुआ, अप्रैल में 2019 में हमने 17th लोकसभा को चुना, जिसमें मैंडेट मिला था भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, ठीक हुई बात। चल अब हम देखेंगे बाई इलेक्शन। अच्छा, बाई इलेक्शन देखने के पहले अब जो हमारे 18th लोकसभा के इलेक्शन होंगे वो कब होंगे बेटा, 2024 में, 5 साल में इलेक्शन होते। अब हम देखेंगे बेटा बाय इलेक्शन। देखो जनरल इलेक्शन हो गए, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एक मेंबर इलेक्ट होके आ गया, पर ड्यू टू सर्टेन केसेस, किसी भी वजह से किसी व्यक्ति की या तो डेथ हो गई हो या कोई और प्रॉब्लम आ गई है, तो अब वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को संभाल नहीं पा रहा है, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बिना मेंबर की रहेगी 5 साल, नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। तो उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए, उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए फिर इलेक्शन होता है, और ऐसे ही इलेक्शन को हम क्या कहते हैं, बाय इलेक्शन। तो मुझे बताओ एरिया किसका ज़्यादा है, जनरल इलेक्शन का कि बाय इलेक्शन का, तो हुआ है जनरल इलेक्शन का, क्योंकि पूरा इंडिया उसमें कवर हो रहा है। अगर किसी स्टेट के इलेक्शन हो रहे हैं तो उसमें भी पूरा स्टेट कवर हो रहा है, पर जब बाय इलेक्शन होगा तो बेटा बाय इलेक्शन एक आधा सीट के लिए होता है, एक दो सीट्स के लिए होता है, और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, कोई ज़रूरी नहीं है कि होगा ही होगा। अब देखो बाय इलेक्शन हम करते हैं किसी व्यक्ति को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। बाई इलेक्शन में हम किसी व्यक्ति को चूज़ करते हैं जो रिप्लेस करेगा, किसको रिप्लेस करेगा, इलेक्टेड मेंबर को, ठीक है। चलो बाई इलेक्शन इज हेल्ड टू चूज अ मेंबर ऑफ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर
टू रिप्लेस अ प्रीवियस मेंबर को रिप्लेस करने के लिए, या तो हो सकता है उसने सडनली रिजाइन कर दिया हो या उसकी डेथ हो गई, जो प्रीवियस मेंबर जो पहले जनरल इलेक्शन से चुन के आया था, हो सकता है उसने सडनली रिजाइन कर दिया है या हो गई है उसकी डेथ, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या करवाएंगे, बाय इलेक्शन। चलो, कई बार कुछ सीट्स ऐसी भी खाली रह जाती हैं या वैकेंट हो जाती हैं जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कुछ मेंबर डिसक्वालीफाई हो गए। देखो, पहले इलेक्शंस हो गए, मैं चुन के भी आ गई, मैं जीत गई, मैंने बहुत खुशी मना ली, पर बाद में इलेक्शन कमीशन ने देखा कि मैंने जिस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट किए वो कोड ऑफ कंडक्ट से बाहर थे, मतलब उस तरीके से इलेक्शन लड़ना इंडिया में अलाउ नहीं था, तो वो क्या करेंगे, मुझे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। एक बार हमारी सिटिंग पीएम इंदिरा गांधी को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया था, जबकि वो तो सिटिंग पीएम थी। प्राइम मिनिस्टर का अगर इलेक्शन डिस्क्वालीफाई हो सकता है तो सोच लो किसी का भी इलेक्शन डिस्क्वालीफाई हो सकता है। जब इंदिरा गांधी चुनी गई, चुनने के बाद वो बढ़िया रूल वूल भी करने लगी, पीएम भी बन गई, पर बाद में पता चला कि उन्होंने जो ऑफिशियल मशीनरी है उसका गलत यूज़ किया था इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए, तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो भैया कोई भी डिस्क्वालीफाई हो सकता था, या तो कोई मर सकता है, या कोई सडनली रिज़ाइन कर दे, या किसी को इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई कर दे, तो वो सीट्स भी वैकेंट रहेंगी, और उन सीट्स को तो वैकेंट सीट्स को फिल करने के लिए क्या होते हैं, बाई इलेक्शन। अ मेंबर इलेक्टेड इन बाई इलेक्शन होल्ड्स मेंबरशिप ओनली फॉर अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ द हाउस। सपोज करो आज इलेक्शन हुए, 2011 में इलेक्शन हुए, 13 तक तो मैंने उस पोजीशन को संभाला, 13 में मेरी हो जाती है डेथ, तो अब नेक्स्ट इलेक्शन कब होगा बच्चा, अभी 11 में हुआ था तो नेक्स्ट होगा 2016 में, है ना, तो जो मेरा टर्म होगा वो बचे हुए 3 साल ही होंगे। ऐसा नहीं कि मैं आज चुनी गई हूँ, 13 में तो आने वाले 5 साल रूल करूँगी 18 तक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं वहीं तक रूल करूँगी। मिड टर्म इलेक्शंस, देखो बेटा कई बार ऐसा होता है कि जो लोकसभा है या जो स्टेट असेंबली है वो पहले ही डिसॉल्व हो जाती है, अपने टर्म को पूरा नहीं कर पाती। जब भी इलेक्शन होते हैं तो सरकारें कितने साल के लिए चुनी जाती है, 5 साल के लिए, पर कई बार हम लोग देखते हैं कि 5 साल के पहले भी हमें इलेक्शन कराने पड़ते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो गई या लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो आपको क्या करवाने पड़ेंगे, फ्रेश इलेक्शन। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनो कि जो लोकसभा है या स्टेट असेंबली है वो डिसॉल्व हो जाती है बिफोर इट्स टर्म इज ओवर, अपना जो कार्यकाल है उसको पूरा नहीं कर पाती। एज अ रिजल्ट इसके बाद क्या होता है बच्चा, मिड टर्म पोल कराने पड़ते हैं। सपोज करो सरकार का कार्यकाल था 5 साल, 3 साल तो सरकार चली, 3 साल बाद जो उसकी मेजोरिटी थी वो ख़त्म हो गई या कोई भी प्रॉब्लम आई, तो 3 साल के बाद फिर से इलेक्शंस होंगे और उन्हें हम क्या बोलेंगे, मिड टर्म इलेक्शन। पर बेटा ये जो एक्सप्रेशन है मिड टर्म इलेक्शन, इसका कोई लीगल सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों नहीं है लीगल सिग्निफिकेंस, क्योंकि आप जब भी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उसे हम क्या ही बोलते हैं, जनरल इलेक्शन, है ना। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 3 साल के बाद इलेक्शन होने लगे तो हम सब बोल रहे हैं मिड टर्म इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन, हम क्या ही बोलते हैं उसको, लोकसभा इलेक्शन। चलो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द प्रीवियस हाउस रैन फुल टर्म और इट वॉज डिसॉल्व अर्लियर, चाहे वो हाउस पहले डिसॉल्व हो गया हो या उसने अपने टर्म को पूरा किया हो या पूरा नहीं कर पाया हो, पर मिड टर्म का यूज़ ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं होता है। पर ऐसा भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर कोई सरकार 5 साल अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, बीच में ही डिसॉल्व हो जाए, तो क्या होंगे, मिड टर्म इलेक्शन। अब हम देखेंगे हाइलाइट्स ऑफ जनरल इलेक्शन 2019। तो 2019 में टोटल इलेक्टिव सीट्स लोकसभा के लिए कितनी थी, 2543, कितनी थी, 543। टोटल इलेक्टोरेट कितने थे, 900 मिलियन, नियरली 900 मिलियन, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है। टोटल वोट्स पोल्ड कितने लोगों ने वोट किया, 61.30 करोड़ लोगों ने वोट किया। वोटिंग परसेंटेज कितना था, 67%, मतलब अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एलिजिबल तो थे वोटिंग करने के लिए पर वोट कास्ट करने गए ही नहीं। बीजेपी एनडीए वोट शेयर एंड सीट्स 45% वोट अकेले किसको मिले, एनडीए मतलब बीजेपी को मिले, और सीट्स कितनी मिली, 353। ठीक है, बीजेपी लेड एनडीए, एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल डोमेस्टिक अलायंस, इसका सबसे बड़ा घटक जो सबसे बड़ी इसमें इस ग्रुप में नेशनल डोमेस्टिक अलायंस एक अलायंस है ना, पॉलिटिकल पार्टीज का ग्रुप है, इसमें सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कौन है, बीजेपी। तो बीजेपी लेड एनडीए को कितनी सीट्स मिली, 353 सीट्स मिली है, और परसेंटेज वोट परसेंटेज कितना था, 45। कांग्रेस सीट्स एंड वोट शेयर, कांग्रेस को 52 सीट्स मिली और वोट परसेंटेज था 19.5। वो कांग्रेस पार्टी जो 1885 में बन गई थी, 1885 में बन गई थी, जिसने फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया,
50 60 साल एक छत्र राज्य किया, अब उसकी कंडीशन यह है कि उसे सिर्फ कितने वोट मिले हैं, 19.5%, और ये कांग्रेस को नहीं मिले बच्चा, कांग्रेस की सीट से नहीं है, कांग्रेस का वॉच शेयर नहीं है ये टोटल वॉच शेयर है यूपीए का, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का, ठीक है, चलो किसका है, यूपीए, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस क्या है, एक अलायंस है जिसकी मेन पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस। क्या इंपॉर्टेंस है 17th, क्या सिग्निफिकेंस है बेटा 17th जनरल इलेक्शन का, तो ये सिग्निफिकेंस है कि एनडीए वापस से सरकार में आई है ना, वोटर्स री इलेक्टेड द सेम अलायंस एनडीए टू पावर विथ बिगर मेजोरिटी इन लोकसभा, पहले से भी ज्यादा मेजोरिटी के साथ फिर से इलेक्ट होके आई कौन, एनडीए। पर बेटा इस एनडीए में हम बोल सकते हैं कि जो सरकार बनाने वाली सीट्स जितनी एलिजिबल होती हैं वो अकेले सिर्फ किसको मिल चुकी थी बच्चा, बीजेपी को मिल चुकी थी 17 जनरल इलेक्शन में, एनडीए वापस से सरकार में आ गया और मेजॉरिटी से मिली। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ इलेक्शंस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। वोटर्स चूज करते हैं बेटा अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने एरिया से जिस भी व्यक्ति को वो चुनते हैं वो वेराइंग नंबर ऑफ इयर्स के लिए चुनते हैं। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का फुल टर्म होता है, पूरा एक कार्यकाल होता है 5 साल का, कई बार वो जल्दी भी डिसॉल्व हो जाती है। मेंबर ऑफ राज्यसभा की बात करें या विधान परिषद की बात करें, राज्यसभा या विधान परिषद की हम बात करें, विधान परिषद को इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इनका टर्म होता है 6 ईयर। लोकसभा का टर्म जहाँ 5 साल है वहाँ पर राज्यसभा या विधान परिषद का टर्म है 6 साल। जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का वो भी अपना ऑफिस या अपना उसका खुद का एक टर्म भी कितने साल का होता है, 5 साल का। प्राइम मिनिस्टर भी 5 साल के लिए होता है, प्रेसिडेंट भी कितने सालों के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो 5 ईयर। वाइस प्रेसिडेंट भी कितने सालों के लिए चुना जाता है, 5 सालों के लिए। PM 5 ईयर, CM 5 ईयर, प्रेसिडेंट 5 ईयर, वाइस प्रेसिडेंट 5 ईयर। द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, पर इनके चुने जाने की जो प्रोसेस है वो डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। जैसे लोकसभा के लिए इलेक्शन या लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए जो इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, हम खुद जाके चुनते हैं, पर विधान परिषद के लिए और राज्यसभा के लिए इलेक्शंस इनडायरेक्ट होते हैं, उसमें जनरल पब्लिक का कोई रोल नहीं होता है। तो यहाँ पर शुरुआत से ही समझो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब कहाँ क्या है। इलेक्शन डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट का मतलब हम जनरल पब्लिक कॉमन पीपल जाके वोट डालेंगे तो वो डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, और कई बार हमें नहीं पता होता है कि इलेक्शन हो रहा है। ऐसे इलेक्शन काय काय के लिए होते हैं, प्रेसिडेंट के लिए ऐसे इलेक्शन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के लिए ऐसे इलेक्शन होते हैं, राज्यसभा के लिए ऐसे इलेक्शन होते हैं, और विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए ऐसे इलेक्शन होते हैं। कैसे, इनडायरेक्ट, जहाँ जनरल पब्लिक का कोई रोल नहीं होता। अब हम देखेंगे डायरेक्ट इलेक्शन को, तो डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है बेटा, मैंने आपको पहले बता दिया, जहाँ कॉमन पीपल का जनरल पब्लिक का रोल होगा वो वोट देंगे और इलेक्शंस कंप्लीट होंगे, तो उससे कहते हैं हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन। मतलब हम लोग जाके वोट दे रहे हैं तो वो कौन सा इलेक्शन है, डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है बात। चलो, तो डायरेक्ट इलेक्शन वो होते हैं जहाँ पर वोटर्स डायरेक्टली चूज करते हैं अपनी रिप्रेजेंटेटिव को, और ये वही रिप्रेजेंटेटिव होगा जो लेजिस्लेचर में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है बात। मतलब जो हम हैं जनरल पब्लिक हैं, हम किसी इंटरमीडियरी को इलेक्ट नहीं कर रहे, इंटरमीडियरीज को इलेक्ट नहीं कर रहे हैं, पर एक्चुअली हम उन लोगों के लिए वोट कर रहे हैं जो खुद जाके हमें रिप्रेजेंट करने वाले हैं लोकसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, लोकसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबली में। मैं जब अपने यहाँ से किसी मेंबर को इलेक्ट करती हूँ और वो जाके मुझे रिप्रेजेंट करेगा कहाँ पर, लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन है। सेम ऐसे ही लोकसभा के लिए है ना, मतलब एक्चुअली आप उस व्यक्ति को चुन रहे हैं जो पार्लियामेंट में आपको रिप्रेजेंट करने वाला है या स्टेट असेंबली में आपको रिप्रेजेंट करने वाला है। डिपेंड करेगा आप जनरल इलेक्शन के लिए वोट कर रहे हो कि स्टेट असेंबली के लिए वोट कर रहे हो या किसी लोकल बॉडी के लिए वोट कर रहे हो, ठीक हुई बात। चलो, जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, ठीक है। मेंबर्स ऑफ लोकसभा इन इंडिया आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द पीपल हु हैव द राइट टू वोट। जितने भी व्यक्ति को वोटिंग राइट होता है, जो एक एलिजिबल क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं, मतलब 18 साल से बड़े हो जाते हैं, वो लोग जाके वोट देंगे किसके लिए, एमपी के लिए, मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए, ठीक है बात। एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर आ जाते हैं, तो स्पेशली स्पेसिफिकली आपको बोलना पड़ेगा मेंबर ऑफ लोकसभा,
ठीक है बात, उनका जो इलेक्शन है वो डायरेक्टली होता है, क्योंकि अगर मैं एमपी बोल देती हूँ तो ये गलत है, क्योंकि एमपी तो लोकसभा का मेंबर भी होता है और राज्यसभा का मेंबर भी होता है। लोकसभा के मेंबर तो बेटा डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, हम तुम उन्हें जाके चुनते हैं, पर राज्यसभा के इलेक्शन इनडायरेक्ट होते हैं। जनरल पब्लिक का, कॉमन पीपल का इसमें कोई रोल नहीं होता, ठीक है बात। तो मेंबर ऑफ लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है बेटा, डायरेक्ट होता है ना, वो सारे लोग जिनको वोटिंग राइट अवेलेबल होंगे, मतलब जो एलिजिबल होंगे वोट डालने के लिए, जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होगी, वो लोग वोट डाल के किसको चुन लेंगे, लोकसभा मेंबर को चुनेंगे। ऐसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चा, विधानसभा, सेम उनके लोग भी डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल ऑफ स्टेट कंसर्न। जैसे मैं एमपी में रहती हूँ तो मैं अपने एमएलए को चुनूंगी, है ना, आप यूपी में रहते तो आप यूपी के एमएलए को चुनेंगे। चलो, तो विधानसभा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, और इनके इलेक्शन भी डायरेक्ट होते हैं। तो किस किस के इलेक्शन बेटा डायरेक्ट हो रहे हैं, एक तो लोकसभा के इलेक्शन डायरेक्ट हो रहे हैं और एक हो रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज, ग्राम पंचायत एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर ऑल्सो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय वोटर्स। अब दो कैटेगरी हमने पढ़ ली कि यार भैया लोकसभा का मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड है, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर भी डायरेक्ट इलेक्टेड है, इसके अलावा तीसरी कैटेगरी कौन सी है, तो वो है लोकल लेवल गवर्नमेंट। अब हो सकता है आपकी जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पर म्युनिसिपालिटी हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या पंचायत हो, तो वहाँ का व्यक्ति जो होगा, मतलब ग्राम पंचायत या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को चुना जाता है, वो उनका इलेक्शन भी कैसा होता है, डायरेक्ट, मतलब जो उस एरिया के लोग होंगे वो उनको इलेक्ट करेंगे। अब हम देखेंगे बेटा इनडायरेक्ट इलेक्शन को, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन को एक कॉमन लैंग्वेज में सुनो, वो इलेक्शन जहाँ पर जनरल पब्लिक का, कॉमन मासेस का कोई रोल नहीं हो इलेक्शन में, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, हम उस इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते, ठीक है बात। उस इलेक्शन में कौन पार्ट लेता है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट को चुनेंगे, हमारा कोई मेजर रोल, हमारा कोई रोल ही नहीं है, मेजर क्या, हमारा कोई रोल ही नहीं है। ऐसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो लोग होते हैं या राज्यसभा के जो लोग होते हैं, उन्हें हम डायरेक्टली नहीं चुनते बेटा, उन्हें कौन चुनता है, वो व्यक्ति जिसे हमने पहले ऑलरेडी चुन लिया है, अब वो वहाँ पर उनको चुनेगा। आई बात समझ में, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन वो होते हैं जहाँ पर वोटर्स डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते अपने रिप्रेजेंटेटिव को टू द लेजिस्लेचर और द हेड ऑफ़ द स्टेट, मतलब प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ़ द स्टेट है उसका इलेक्शन भी डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। पर लोग किसको इलेक्ट करेंगे, बट इलेक्ट एन इंटरमीडिएट बॉडी, हम किसको इलेक्ट करते हैं, हम एक इंटरमीडिएट बॉडी को इलेक्ट कर देते हैं और फिर वो जाके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को इलेक्ट करेगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब हम डायरेक्टली उस पोजीशन के लिए कुछ नहीं करेंगे, हम तो उन इंटरमीडिएट्स को चुन देंगे जो बाद में इन्हें इलेक्ट करेंगे, और जो जिस बॉडी, इंटरमीडिएट बॉडी को हम इलेक्ट करेंगे वो फाइनली प्रोसीड करेगी टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स और द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को चुनेगी, दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को चुनेगी एज इन केस मे बी। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी पोजीशन है जिनके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो वो होता है मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली डायरेक्ट इलेक्शन, लेजिस्लेटिव काउंसिल इनडायरेक्ट इलेक्शन, लोकसभा डायरेक्ट इलेक्शन, राज्यसभा इनडायरेक्ट इलेक्शन, लेजिस्लेटिव काउंसिल को ही हम क्या कहते हैं, विधान परिषद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन सब का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट की नाम बोलो, लोकसभा, डायरेक्ट लेजिस्लेटिव असेंबली, आई बात समझ में, पर इनडायरेक्ट में आ जाएगी लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्यसभा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। पहले हम राज्यसभा को देखेंगे। अब जो हमारी राज्यसभा है उसमें जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक है नॉमिनेटेड और दूसरे हैं इलेक्टेड। ये जो नॉमिनेटेड हैं इन्हें नॉमिनेट करने का काम करते हैं कौन, प्रेसिडेंट। चलो, तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो कितने हैं, 12। कोई पूछेगा कि टोटल कितने नॉमिनेटेड मेंबर रहते हैं राज्यसभा में, तो आप क्या बताएंगे, 12। इन्हें नॉमिनेट कौन करता है बेटा, प्रेसिडेंट। तो राज्यसभा में दो कैटेगरी हो गई मेंबर्स की, एक होता है कौन, नॉमिनेटेड, दूसरे कौन होते हैं, इलेक्टेड। तो नॉमिनेटेड मेंबर कितने होते हैं, 12। जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं आर रिगार्डेड एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। जो इलेक्टेड मेंबर होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी। राज्यसभा में स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स।
पीपल डू नॉट डायरेक्टली इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. हमारा कोई जनरल पब्लिक का, कॉमन मासेस का कोई रोल नहीं होता राज्यसभा के इलेक्शन में. इन्हें इलेक्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट. स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसको हमने चुना. अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि हम इंटरमीडिएटरीज को चुन देते हैं. किसको चुन देते हैं? इंटरमीडिएट बॉडी को चुन देते हैं. और फिर ये इंटरमीडिएट बॉडी फाइनली प्रोसीड करती है या फाइनली चुनती है किनको? प्रेसिडेंट को या रिप्रेजेंटेटिव्स को. तो हमने किसको चुन दिया? इंटरमीडिएट बॉडी को. इंटरमीडिएट बॉडी कौन हो गई? लेजिस्लेटिव असेंबली. अब ये लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग होंगे वही राज्यसभा के मेंबर को चुनेंगे. जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं यूनियन टेरिटरी के शैल बी चूजन इन सच अ मैनर एज पार्लियामेंट में प्रिस्क्राइब. पार्लियामेंट ने पूरा प्रोसीजर लिख रखा है और उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए यूनियन टेरिटरीज के मेंबर इलेक्ट होते हैं. राज्यसभा हो गया. अब हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विधान परिषद. एट प्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश. टोटल 6 स्टेट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिनमें विधान परिषद है. आउट ऑफ 28 स्टेट, 28 राज्यों में सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं, 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, विधान परिषद भी है. कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश बिहार, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना. महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश. इन्हीं के पास क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल है. वाइल द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए किसने वोट दिया था? हमने, कॉमन पीपल ने. इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर कंडक्टेड इनडायरेक्टली. पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए जो इलेक्शन होते हैं बेटा, वो कैसे होते हैं? इनडायरेक्टली होते हैं. जो 1/3 मेंबर होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, मतलब अगर मैंने बोल दिया कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होंगे वही चुनेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को, तो ये आधा सत्य है, मतलब पार्शली ट्रू है. क्योंकि सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो कितने मेंबर को चुनते हैं? 1/3. बाकी के लोगों को कौन चुनता है? तो बाकी के लोगों को चुनती हैं लोकल बॉडीज, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड. तो अगर कोई पूछे कि क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो लोग चुन के आते हैं उनको सिर्फ चुनने का काम लेजिस्लेटिव असेंबली करती है, तो बोलना बिल्कुल नहीं. सिर्फ 1/3 चुनती है लेजिस्लेटिव असेंबली. बाकी के कौन चुनता है? लोकल बॉडीज. अब लोकल बॉडीज में कौन आएगा? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आ सकता है, पंचायत आ सकता है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आ सकता है. फिर क्वेश्चन आपसे पूछे, अच्छा तो लोकल बॉडी और लेजिस्लेटिव असेंबली मिलकर चुन लेती है लेजिस्लेटिव काउंसिल को, तो बोलना नहीं. ये भी पार्शियली ट्रुथ है. अभी तो और लोगों का भी रोल है. तो और लोग कौन से? जो 1/12 मेंबर होते हैं. 1/3 किसने चुने? लोकल बॉडीज ने. 1/3 ही किसने चुने? लेजिस्लेटिव असेंबली ने. अब 1/12 चुनेंगे. मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय पर्सन एंगेज्ड इन टीचिंग एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. टीचिंग इंस्टीट्यूट्स में जुड़े व्यक्ति, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जुड़े व्यक्ति 1/12 मेंबर को चुनेंगे. ठीक हुई बात. और 1/12 चुनेंगे रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स ऑफ मोर देन 3 ईयर्स स्टैंडिंग. तो अगर फिर से हम देखें तो 1/3 किसने चुना बच्चा? लेजिस्लेटिव असेंबली ने. 1/3 किसने चुना? लोकल बॉडीज ने. 1/12 किसने चुना? ग्रेजुएट्स ने. 1/12 किसने चुना? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो टीचिंग कर रहे थे वो पर्सन एंगेज्ड इन टीचिंग, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो टीचिंग का काम कर रहे हैं 1/12 वो चुनेंगे. 1/12 कौन चुनेंगे? ग्रेजुएट्स. ठीक है बात. अब बचा रिमेनिंग 1/6. तो ये रिमेनिंग 1/6 कौन चुनता है? गवर्नर. क्या बात समझ में आ गई? 1/3 लेजिस्लेटिव असेंबली, 1/3 लोकल बॉडीज, 1/12 टीचिंग टीचर्स हु इज टीचिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, 1/12 ग्रेजुएट्स और 1/6 गवर्नर. गवर्नर इनको चुनता नहीं है बेटा, क्या कर देता है? नॉमिनेट कर देता है. ठीक है बात. जो रिमेनिंग 1/6 है उनका नॉमिनेशन कौन देता है? गवर्नर. अब हम देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को. तो जो इलेक्शंस होते हैं किसके लिए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए. ये भी इनडायरेक्ट इलेक्शन का ही एग्जाम्पल है. जो प्रेसिडेंट होता है उसको इलेक्ट किया जाता है एक बॉडी के द्वारा और उस बॉडी को हम बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज. तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए हम क्या बनाते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज. अब बेटा आप लोगों ने ये तो जान लिया कि इलेक्टोरल कॉलेज बनता है भैया प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए, पर इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? तो इस इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा के दोनों के
इलेक्टेड मेंबर्स होंगे इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट, ठीक है, इलेक्टेड स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, और कौन होते हैं, तो और होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनके इलेक्टेड मेंबर होंगे, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर भी होंगे, इनको मिला के क्या बनता है, इलेक्टोरल कॉलेज। अब बेटा मुझे ये बात बताओ कि हमारी कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है, तो फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन इनडायरेक्ट क्यों हो रहे हैं, हमारा कोई रोल क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट का रोल नॉमिनल होता है, नाम मात्र का, कोई रियल पावर नहीं होती उसके पास, सारी रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है, पर इन सबका इलेक्शन तो डायरेक्ट होता है ना। तो भाई ध्यान से जरा एक बात सुनो कि क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो खुद से कोई डिसीजन नहीं लेता, अपॉइंटमेंट कराता है, पर किससे पूछ के अपॉइंटमेंट कराता है, किसकी सलाह पे अपॉइंटमेंट कराता है, प्राइम मिनिस्टर, मतलब एक भी काम ऐसा नहीं है प्रेसिडेंट जो इंडिविजुअली खुद जाके कर ले, वो हमेशा किसकी हेल्प से ही काम करता है, किसकी राय लेता है, किसका मशवरा रहता है, प्राइम मिनिस्टर का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। तो एक रीज़न है कि हाँ भैया चलो इसके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन हो भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से सुनना बेटा वो इम्पॉर्टेंट रीज़न जो दिया गया है कि यार इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों होता है प्रेसिडेंट के केस में, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो रियली किसके पास होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, इन द यूनियन पार्लियामेंट एंड नॉट इन प्रेसिडेंट, एज सच प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं होती है। तो यूनियन पार्लियामेंट में जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास सिर्फ नॉमिनल पावर है, नाम मात्र की पावर है, एक्चुअल पावर तो किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। Therefore, it would be an anomaly if the president was to be directly elected by the people and not given any real power. फिर बेटा ये तो उल्टा ही हो जाता कि प्रेसिडेंट को जनरल पब्लिक चुन रही है पर उसके पास एज सच कोई पावर नहीं है, है ना, उल्टा ही हो जाता, अनॉमली हो जाती, क्योंकि जो भी इलेक्टेड व्यक्ति है जिसको जनरल पब्लिक इलेक्ट कर रही है उसके पास तो सारी पावर्स होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर, पर हमने इस तरीके के से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, इस तरीके से स्ट्रक्चर को बनाया है कि रियल पावर ऑलवेज रेस्ट विथ प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नॉट विथ प्रेसिडेंट। अभी हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पढ़ें उसके पहले हम एक टॉपिक ऊपर छोड़ आए हैं, वो है डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन में डिफरेंस, तो पहले वो पढ़ लेते हैं। वोटर्स डायरेक्टली चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्ट इलेक्शन में वोटर्स डायरेक्टली चूज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, इनडायरेक्ट इलेक्शंस में वोटर्स डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते अपने रिप्रेजेंटेटिव को या हेड ऑफ द स्टेट को, ये एक इंटरमीडिएट बॉडी को इलेक्ट कर देते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज। अब इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा का मेंबर है, लेजिस्लेटिव असेंबली का भी मेंबर है, और इनको किन्होंने चुना है, जनरल पब्लिक ने, ठीक हुई बात। अब कौन कौन किस किस का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, मेंबर ऑफ लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकल बॉडीज, इनका इलेक्शन कैसा होता है, डायरेक्ट, जनरल पब्लिक इनको कुछ चुनती है, पर मेंबर ऑफ राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इनका इलेक्शन कैसे होता है, इनडायरेक्टली, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकल बॉडीज, इनका इलेक्शन कैसे होगा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट किस किस का होगा बच्चा, राज्यसभा का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का, प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का। कितने स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इंडिया में 6। अब बेटा जनरल पब्लिक का रोल होता है लोकसभा इलेक्शन में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, लोकल बॉडीज़ में, तो जो नंबर ऑफ वोटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन में जो वोटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, पर इनडायरेक्ट इलेक्शंस में जो वोटर्स होते हैं उनका नंबर बहुत कम होता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई डायरेक्ट इलेक्शन में नंबर ऑफ वोटर ज़्यादा होता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन में, तो क्या बोलोगे, डायरेक्ट इलेक्शन में, क्योंकि कॉमन मोस्ट में इन्वॉल्व होता है, और यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन में तो इलेक्टेड बॉडी इन्वॉल्व होती है। डायरेक्ट इलेक्शन स्टिमुलेट्स द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इन इलेक्शन, और डायरेक्ट जो इलेक्शंस होते हैं उनमें लोगों के इंटरेस्ट की बात होती है, ठीक है, और इनडायरेक्ट इलेक्शन में इट रिड्यूसेस द हीट ऑफ इलेक्शन कैंपेन, इसमें इलेक्शन कैंपेनिंग वगैरह की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। अब मैं आ जाती हूँ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे, चलो, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसे भी इलेक्ट करता है इलेक्टोरल कॉलेज, कंसिस्टिंग मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसे इलेक्ट किया जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मेथड से, ठीक है, विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हाउएवर इन द केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट केस में जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें स्टेट असेंबलीज के मेंबर नहीं होते हैं। तो ध्यान रखना, प्रेसिडेंट का इलेक्शन जब होता है तो उसके लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है उसमें स्टेट असेंबलीज के मेंबर भी होते हैं, पर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में
स्टेट असम्बलीज के लोग नहीं होते हैं, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड का यूज़ होता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए. सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली. इफ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम टू राइट इन कमेंट सेक्शन. विल स्टार्ट पार्ट टू विथ इलेक्शन कमीशन.